हाय नमस्कार। सो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग पोस्टपोन कर दी गई है और आज आप चेंज्ड बैकग्राउंड देख रहे हो क्योंकि मैं अपने जयपुर ऑफिस बैठा हुआ हूँ। ये एपेक्स मॉल लाल कोठी में है और कल मैं आ गया था वेरी फ्रेंकली, और इसीलिए मैं ट्रेन में था जब सुबह की। आई प्रेफर टू गो बाई ट्रेन रैदर देन टेकिंग माई ओन कार सेफ्टी के लिए, और क्योंकि मुझे यहाँ से जोधपुर भी जाना है और वापस मैं आपको दिल्ली ऑफिस में मिलूँगा संडे मॉर्निंग। तो आज भी जयपुर में रहूँगा, जो दो नए कॉलेज आ रहे हैं एक बार उनको विजिट करूँगा, देव और गीतांजलि को, और फिर कल जयपुर जाके जयपुर के कॉलेजों में बात करने की के लिए जाऊँगा। और क्योंकि इस समय काउंसलिंग नहीं स्टार्ट हो रही थी तो मुझे पता था कि बहुत सारा पेपर वर्क तो करना नहीं है, बिकॉज एक बार जब असली काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है फिर मैं इस तरह से विजिट्स कम करता हूँ, फिर टीम मेम्बर या वो, पर अभी जो शुरू की बात है मैं खुद ही जाता हूँ। एनीवे सॉरी, तो इस वीडियो का मतलब ये था कि आपको समरी देना और अपडेट देना। तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग पोस्टपोन हो गई है। पॉइंट ये होता है कि क्यों मैं वीडियोस बनाता हूँ या मेरे को आप लोग पसंद करते हो कि थोड़ा मैं डिफरेंट और सटीक पर्सपेक्टिव देता हूँ बजाय के फॉल्स होप देने की या उसके। तो बड़ा सिंपल है जी, परसों रात को एक बहुत बढ़िया या डिटेल्ड एफिडेविट दे दिया गया विद ऑल द डेटा एनालिसिस जो कि मांग रहे थे पिटिशनर्स, जो रीनीट चाहते हैं और जो कह रहे हैं कि लार्ज स्केल पे पेपर लीक हुआ है। तो चूँकि वो कल परसों रात को दिया गया था तो सुप्रीम कोर्ट जज ने पूछा उनसे, तो उन्होंने बोला हमें समय चाहिए इसको स्टडी करके इसका जवाब बनाने के लिए। अब कल वीरवार था, सुप्रीम कोर्ट के पास भी और भी बतेरे काम है। उन्होंने बोला कि अर्लीस्ट हम मंडे को डेट दे सकते हैं 15 को। मंडे ट्यूसडे जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं जो सरकार की तरफ से लड़ रहे हैं वो बिजी थे, तो उन्होंने बोला कि सर मैं अवेलेबल नहीं हूँ। 17 जुलाई को बाई चांस ऑफ हो गया, तो वो सब करके अब 18 जुलाई को डेट दी गई है विच इज़ एग्जैक्टली आफ्टर 7 डेज। तो मतलब लॉजिक मैं दे रहा हूँ कि 7 डेज का क्या है, क्योंकि एक ने मुझे भी बोला कि सर क्या वो डिले टैक्टिस कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहा, और डिले टैक्टिस करने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि देखिए सरकार भी चाह रही है ना कि जल्दी से फैसला उनके पक्ष में आए और वो आराम से काउंसलिंग स्टार्ट कर सकें। तो डिले टैक्टिस का किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो दिमाग में मत रखिए वो एंगल। अब बहुत सिंपल सरल स्ट्रेट है कि सुप्रीम कोर्ट एक अपनी बॉडी है, उनका अपना टाइमिंग है, उनके पास अपने काम हैं, उनके लिए सिर्फ नीट का मुद्दा नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। तो उन्होंने तो फिर भी मंडे को टाइम देने की कोशिश की थी, मंडे ट्यूसडे को तुषार मेहता जी बिजी हैं, तो बात थर्सडे तक टल गई विच इज़ 18। तो फिर से लोग पूछ रहे सर काउंसलिंग का क्या होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि काउंसलिंग डिले मेरे हिसाब से इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस केस, इट इज़ बिकॉज ऑफ द NMC की ढिलाई, और NMC ने वो जो नए कॉलेज को परमिशन या रिजेक्शन देने में जो समय लगा रही है, जो इस हफ्ते भी वो काम चल रहा है, और क्योंकि जब वो एक बार कॉलेजेस अप्रूव कर देगी तभी तो वो फिर MCC के ब्रोशर पे चढ़ेंगे। और मैं तो खुद हैरान हूँ क्योंकि काफ़ी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका अभी तक जो 2024 का फीस स्ट्रक्चर भी नहीं आया है, तो वो भी पता नहीं किसका इंतज़ार कर रही हैं। तो फिर से जो मैं कह रहा हूँ कि आई होप कि आज कल परसों का दिन एक्शन पैक्ड रहे और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ अपने फीस स्ट्रक्चर लॉन्च करें, MCC अपना बेसिक ब्रोशर लॉन्च करने की तैयारी करे ताकि वो अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, एटलीस्ट ब्रोशर लॉन्च कर दें ताकि लोग रूल्स रेगुलेशन समझ लें। और वही जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होनी है क्या पता वो 16-17 को हो जाए, और फिर से वही बात है, बात अगर एक दिन की अटकेगी, क्योंकि ये तारीफ की बात है कि डेट्स बहुत जल्दी ही मिल रही हैं। ऐसा ही एक बार डिले 2 साल पहले हुआ था जब फिजिक्स के पेपर क्वेश्चन में गलती थी तो बहुत डिले हो गया था, क्योंकि डेट्स भी बहुत दिनों बाद मिल रही थी, बट डेट इस बार सुप्रीम कोर्ट 4-4 दिन में दे रहा है। तो 18 तारीख को भी बहुत बड़ा फैसला आ सकता है जिसकी वजह से 19 तारीख से ही फिर असली काम शुरू हो जाएगा, अगर उससे पहले ना हुआ तो। और आपको हमेशा मैं समझा रहा हूँ, अपनी तैयारियाँ करके रखिए, कोई पेपर्स कलेक्ट करने करके रखिए, कहीं अकाउंट खुलवाने हैं, NRI अकाउंट खोलना है, और मैं NRI बार बार बोलता हूँ ना, तो अब ये मैं सोचा कीजिए कि मैं सिर्फ NRI का काम करता हूँ। आप में से जो भी लोग जो NRI गार्जियन या NRI फर्स्ट ब्लड के पेपर बनवाना चाहते हैं उसके जो सारी डिटेल्स हैं वो करके तो रखिए, ताकि अगर काउंसलिंग इमेज स्टार्ट हो जाए तो आपके पास समय हो भाग करने का। क्योंकि अक्सर लोग गलती ये करते हैं ना कि सर जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब पेपर बनवाएंगे, अरे पेपर बनवाने में तो 15 दिन लगेंगे, तो पता चलेगा कि आप रजिस्ट्रेशन इससे नहीं कर पाओगे। ओके, तो उस चीज़ को कीजिए। मैं तो कहूँगा आपको समय मिल रहा है, डू सम सेल्फ रिसर्च, अपनी रिसर्च कीजिए, समय है बच्चों के पास खासकर, तो आप किसी गलत फहमी में ना जाएँ, गलतियाँ ना करें, एंड यू आर एबल टू टेक अ वेरी राइट एंड द बेस्ट डिसीजन फॉर योर सीट फॉर MBBS। सो ये है एक स्मॉल मिनी अपडेट कि कल क्या हुआ,
काउंसलिंग क्यों नहीं शुरू हो रही, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट केस, इट इज़ बिकॉज ऑफ NMC, MCC या इन सब की आलसपंथी कह लो, लेजीनेस कह लो. ओके, सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय. और आप जानते ही हैं 9643362320 पे हम आपको मिलेंगे. आपका दिन शुभ हो. नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.